सब ब्यूरो ब्लॉग आज हम डिस्कस करेंगे बहुत आपने ना पिछली वाली वीडियो में आपने पूछा था कि भाई रजत भाई अमेरिका में घर ईंटों के क्यों नहीं बनते लाइक like, प्रॉपर कॉन्क्रीट कौन, के क्यों नहीं बनते वुड के क्यों बनते हैं तो ये वाली वीडियो बनाएंगे आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे पहले मैं आपको दिखा दूँ हम आज फिर से अपना घर देखने आए थे अभी मैं अपने घर पर खड़ा हूँ शिल्पा भी है साथ में और पीछे देखो कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत स्पीड से बना रहे हैं घर इनफैक्ट अगर आपको याद हो ये बना घर ये वाला अगर पिछली ही वीडियो में बिच फर्स्ट टू वीक्स अगो मैंने बोला था हाई नेबर्स हाउ और यू कैसे हो आप लोग हाई फ्यूचर नेबर्स जैसे मैंने बोला था लैंड था उस टाइम पे टू वीक्स में आज ये बिल्डिंग है यहाँ पर ये देखो ये, ये बारा सेम और एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम घर है हमारा बस yeah. वो उसको वो फेसिंग है हमारा यहाँ फेसिंग है बैक टू बैक है सेम एग्जैक्ट प्लान बाय द वे बहुत स्पीड से घर बन रहे हैं तो पीछे देखो अभी पीछे भी अभी लैंड है और आज क्या तारीख़ है आज है एट्थ जनवरी आई बिलीव एट जनवरी सन संडे का दिन है आज हम आए हुए हैं टू तो अभी यहाँ पर सारा लैंड है कुछ महीनों बाद देखना मार्किंग की हुई है देखो घरों की मार्किंग हो रही थी यहाँ पे पुलिस भी आई यहाँ पर पुलिस यहाँ पे चक्कर मारती रहती है बात ये सब लैंड है और यहाँ पे भी कुछ टाइम में देखना यहाँ पे भी घर होंगे बहुत बहुत ज़्यादा तो अभी बहुत स्पीड से यहाँ पे ना घर बन रहे हैं तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे घर लकड़ी के क्यों बनते हैं चलो शुरू करें काफ़ी कुछ चेंज है नहीं जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था पिछली वीडियो में मतलब जो कि टू वीक्स पहले थी बाहर से तो ऐसे था अब अंदर काम चल रहा है अंदर आई थिंक अभी वायरिंग एंड प्लम्बिंग वगैरह चल रही है और ऊपर से गए ब्रिक्स आ गई हैं लगने के लिए बाकी हमारी जो रोड है जिसपे इस समय ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे अगर मैं देखूँ तो मुझे दस पंद्रह घर तो दिख ही रहे हैं। तो बस बहुत स्पीड से बना रहे हैं यहाँ पे घर तो चलो देखते हैं अंदर और क्या चल रहा है ऑलराइट तो गाइज़ ये भी ये आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स रखे हैं यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है इधर लिखा है जनरल शेल ब्रिक तो ये लगेगी अभी आई थिंक आउटर कोटिंग होगी इससे ब्रिक्स है हमारे घर की तो ये हमारा घर है अभी बाहर से और ये आई थिंक बाहर लगेगी तो बाहर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ईंटों का बनता है बट जो मेन स्ट्रक्चर है वो वो वुड का ही है इंस्टेड ऑफ़ यू नो प्रॉपर कंक्रीट सीमेंट वगैरह यूज़ करके जैसा इंडिया में बनता है या और काफ़ी कंट्रीज़ में बनता है वो नहीं है तो मैं अपनी ही कम्युनिटी में एक बाजू वाले के घर पे आ गया हूँ तो आप देखते हैं देख सकते हैं यहाँ पे कितने पूरे जो फ्रेम है पूरे जो स्ट्रक्चर है लकड़ियों का है इनफैक्ट पीछे भी जो घर बन रहे हैं वो भी लकड़ियों के ही हैं तो गाय वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक किसी कंट्री में लकड़ियों के बनते हैं किसी कंट्री में ईंटों के बनते हैं कॉन्क्रीट uh, के बनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंट्री अच्छी हो गई बेकार हो गई सो यू नो लेट्स कीप दैट थोड़ा सा यू नो लेट्स बी गुड टू ईच अदर क्योंकि ये ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत सालों से चलती आ रही है और ये रहा हर कंट्री थोड़ी डिफरेंट होती है तो इट्स अ तो तो डिबेटेबल टॉपिक मैं बस फैक्ट्स देना चाहूँगा आपको मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस वीडियो में कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है मैं बस आपको फैक्ट्स देना चाहूँगा फैक्ट्स भी वो वाले फैक्ट्स हैं जो मैंने खुद से रिसर्च करे हैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और तो लेट्स लेट स्टार्ट तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ियों के घर मोस्टली इसलिए बनते हैं गाइज़ क्योंकि दो तीन रीज़न हैं पहला रीज़न तो यह है कि लकड़ियाँ ना बहुत ईज़िली अवेलेबल है यहाँ पर यू में इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी कंट्रीज़ में जो है लकड़ियाँ काफ़ी कम अवेलेबल हैं क्योंकि फ़ॉरेस्ट वगैरह इतना नहीं है उनके आ, स्ट्रक उनके यू you नो know, कंट्री में फ़ॉरेस्ट एरिया कम है एंट्रीज़ कम है बट यूएस में बहुत इजीली अवेलेबल है फ़ॉरेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा है यूएस में तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है लकड़ियाँ तो इसलिए यहाँ पे लकड़ियों के घर बनते हैं ज़्यादा अब आप बोलेंगे कि रजत भाई लकड़ियाँ भाई यू you नो know, इतना नहीं काटनी चाहिए ट्रीज़ नहीं काटने चाहिए तो मैं एग्री करता हूँ आपसे ट्रीज़ बचाने चाहिए हमें बट ये एक प्रैक्टिस है जो चलती आ रही है कि सालों से चलती आ रही है तो इसलिए यहाँ पर अभी लकड़ियों के ही बनते हैं घर क्या पता आगे चल के जब यू को लगेगा कि ये यू नो नहीं करना चाहिए तो लकड़ियों के घर बनाने बंद बन कर देंगे फॉर नाव लकड़ियाँ बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं यू में तो अभी लकड़ियों के घर ही बनते हैं यहाँ पर दूसरा रीज़न ये है कि लकड़ियाँ बहुत ईजी टू ट्रांसपोर्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट जो कि बहुत हैवी होता है बहुत ही यू नो बहुत मुश्किल होता है उनको ट्रांसपोर्ट करना तो आप देख सकते हो लकड़ियाँ कितना ईजी ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं तो सारा मैं से लकड़ी के स्ट्रक्चर के अंदर खड़ा हुआ एक घर के अंदर और देखो शीशे वीशे भी लग गए लाइक लकड़ियों के स्ट्रक्चर में ना कितना ईजी होता है शीशे भी लगा दिए उन्होंने और ये तो आप अब तक जान ही गए होंगे कि लकड़ियों के घर बनाना बहुत जल्दी बहुत जल्दी बन जाते हैं तो यहाँ पे बिल्डर्स की एक रिक्वायरमेंट होती है उनकी नीड होती है एक्चुअली दे वॉन्ट टू बिल्ड द हाउसेज़ फ़ास्ट एंड चीप क्योंकि बिल्डर्स मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते घरों के अंदर अनना आप उनको बोलो कि भाई बहुत महंगे घर यू नो आई वॉन्ट अच्छा घर बनाओ दे वॉन्ट टू बिल्ड इट वेरी फ़ास्ट एंड वेरी चीप तो लकड़ियाँ इज़ द सोल्यूशन फॉर दैट क्योंकि बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि आपने देखा था जो कि मैंने एक पहले घर दिखाया था टू वीक्स के अंदर लकड़ियों का पूरा का पूरा फ्रेम बन गया था जहाँ पहले लैंड था और कंक्रीट में कितने टाइम लग जाता है कि सालों लग जाते हैं बनाने में तो और सस्ता भी पड़ता है और गाइस तीसरा रीज़न ये है कि आप लकड़ियों का ना शेप देना बहुत इजी होता है वो देखो कितने तरह के आप घर बना सकते हो ट्राइंगल बना लो आई I मीन mean, ट्राइंगल नहीं एज इन लाइक यू लाइगिन कुछ भी आप शेप दे सकते हो लकड़ियों के घर को जो और एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट बहुत ही सेम सा डिज़ाइन रहता है आई I मीन mean, आप उसको भी ऑबियसली शेप दे सकते हो बट जो आप लकड़ियों के घर बनाओगे आप उसको बहुत ईजीली आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे सकते हो मी शो यू। ये वाला जो आप घर देख रहे हो ये छोटे घर हैं बड़े घर हैं किसी की रूफ़ कितनी नीचे आती है किसी की रूफ़ यू you नो know, बिल्कुल ही अलग शेप की होती है तो लकड़ियों के घर को डिफरेंट डिज़ाइन एंड शेप देना बहुत ईजी होता है और अमेरिकनस को यहाँ पर ये ये देखना बड़ा अच्छा लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट यू नो लुक दे एक्चुअली अच्छा लव द लुक एंड फील ऑफ़ द हाउस तो उनको ये बड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि लकड़ियों के घर बनते हैं यहाँ पे तो चलो अब डिस्कस करते हैं अब ये तो हो गए रीज़न क्यों बनते हैं अब नुकसान भी तो है ना लकड़ियों के बनाने के टर्माइट बहुत जल्दी आ जाती है लकड़ियों में आग बहुत जल्दी लग जाती है तो फिर भी बनाते हैं यहाँ पर द रीज़न इज़ यू नो सालों से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से यही चलता आ रहा है और शुरू से ही यहाँ पर लकड़ियाँ बहुत ईज़िल अवे अवेलेबल थी एज़ कम्पेयर टू यू नो यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर इंडिया में भी यू you नो know, जो कि ईंटों की, की प्रैक्टिस चलती आ रही है या कॉन्क्रीट की प्रैक्टिस चलती आ रही है यहाँ पर ये यही प्रैक्टिस है अब कॉन्क्रीट सेफ़ है ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स लाइक टोनाडोज अर्थ कोस में थोड़ा सेफ़र है मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि जो डैमेज होता है वो कॉन्क्रीट का ज़्यादा होता है लकड़ियों में क्या होता है कि लकड़ियाँ लकड़ियों थोड़ा सा लेस प्रोटेक्शन देती हैं ड्यूरिंग दिस डिज़ास्टर्स बट जो डैमेज होगा जो जो लाइफ का डैमेज होता है फॉर एग्जांपल, लेट्स अगर अर्सको एक आता है टोनेडो आता है लकड़ियों के घर के नीचे दब दब के मरने के चांसेस कम होते हैं लोगों के एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट जो कि अगर किसी के ऊपर गिर गया बंदा ख़त्म तो आई थिंक ये रीज़न भी एक है कि कॉन्क्रीट के नहीं बनते यहाँ पे

तो आई थिंक इसलिए भी uh, मैं मानता हूँ थोड़े से कंक्रीट के घर थोड़े से ज़्यादा सेफ़र होते हैं बट उनमें डैमेज ज़्यादा होता है यू नो इनफैक्ट ह्यूमन लाइफ का डैमेज बहुत खतरा रह रहता है उसमें तो दूसरा उसको uh, लकड़ियाँ ईजी टू रिपेयर होती हैं अगर कुछ भी uh, आपको चेंज करना है कुछ ख़राब हो गया लकड़ियों के घर में आप बहुत ही जल्दी से उसको रिपेयर कर सकते हो उतना ही पोर्शन को एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट जो कि बहुत मेहनत और टाइम और पैसों वाला काम होता है कॉन्क्रीट का और अगर right यही वाले बस पॉइंट्स है जो मुझे रिसर्च में मिले एक दो पॉइंट्स और थे कि थर्मल इंसुलेशन के बारे में बोला जाता है पर वो दोनों के लिए ट्रू है लकड़ियाँ के लकड़ियों के अंदर लकड़ियों के घरों के अंदर भी एंड इनफैक्ट कंक्रीट के घरों के अंदर भी थर्मल इंसुलेशन दोनों में अच्छी है मतलब जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है ह्यूमंस के रहने के लिए सर्दियों में वो भी अच्छा रहता है अंदर गर्मियों में वो भी अच्छा रहता है अंदर तो यू नो दैट्स पॉइंट जो दोनों के लिए सेम uh, है इसलिए मैं मैंने वो बोला नई वीडियो में बट ये भी एक पॉइंट मुझे मिला था रिसर्च में और ये काज ये मेरे कोई थिंकिंग नहीं है दीज आर नॉट माई पॉइंट्स ये बस मैंने आपका रिसर्च किया है एंड जस्ट अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कि ये प्रैक्टिस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से चलती आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है बट पीपल यू नो लोगों को चेंज करने में टाइम लगता है तो दिस इज़ वाट्स गोइंग ऑन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वाट्स हैपनिंग तो बस यही थी आज की वीडियो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइज or again it's a debatable topic so let's keep our comments Todas us are you know respectful for each all the countries alright guys see you in the next video